नमस्कार दोस्तों, भारत का सबसे अमीर या सबसे दौलतमंद क्रिकेटर कौन है? इस सवाल के आते ही बहुतों का जवाब होगा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर। लेकिन भारतीय क्रिकेट के इन तमाम सुपरस्टार्स के नाम भूल जाइए, क्योंकि इनमें से कोई भी भारत का दौलतमंद क्रिकेटर नहीं है। इन क्रिकेटरों का नाम रईसों की लिस्ट में ज़रूर है, पर ये रईस नंबर वन नहीं है। भारत के रईस नंबर वन क्रिकेटर का तमगा 23 साल के क्रिकेटर आर्यमान बिड़ला को जाता है। उसकी वजह है उनके पिता यानी बिजनेस टाइकून कुमार मंगलम बिड़ला, जिनकी कुल संपत्ति 70,000 करोड़ रुपये है। दोस्तों, आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा रह चुके आर्यमान बिड़ला को क्रिकेट का शौक बचपन से था। उन्होंने कम उम्र से ही क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उनकी मेहनत का इनाम भी उन्हें मिला जब उनका चयन मध्य प्रदेश की रणजी टीम में हुआ। सिक्के नायडू ट्रॉफी के 6 मैचों की 11 पारियों में वह 79.50 के औसत से 795 रन बनाए थे। इसके अलावा जूनियर लेवल पर भी आर्यमान के नाम पर मध्य प्रदेश के लिए 4 शतक और 150 दर्ज है। भारतीय क्रिकेट के इस रईस जादे ने फिलहाल क्रिकेट से ब्रेक ले रखा है। भारत के दौलतमंद क्रिकेटरों की लिस्ट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर है, जिनकी कुल कमाई 1,090 करोड़ रुपये है। सचिन क्रिकेट से बेशक रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इनकी कमाई का रास्ता अब भी खुला है। ये तमाम विज्ञापनों, फैशन और कॉमर्शियल ब्रांड स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसे कमा रहे हैं। MS धोनी भारत के पूर्व कप्तान और ICC के तीनों बड़े खिताब जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान दौलतमंद भारतीय क्रिकेटरों की लिस्ट में सचिन के बाद इन्हीं का नंबर है। धोनी की कुल आमदनी 767 करोड़ रुपये है। दोस्तों, विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया में अभी इस नाम की धूम है, लेकिन इनकी कुल दौलत फिलहाल सचिन और धोनी के मुकाबले कम है। विराट कोहली की पूरी दौलत 638 करोड़ रुपये की है। इनमें उनका अपना पैशन ब्रांड रॉन्ग प्यूमा के साथ उनकी पार्टनरशिप सब शामिल है। विराट कोहली फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में फिलहाल 66वें स्थान पर है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।